के लोगों साथ देने की लड़ है। सब कुछ जरा पंजाब के लोगों हो रहा, सरकार भी वैसे जिम्मेवारी है लोगों के जान माल की राखी करना, सो सरकार से अपना फर्ज जरा पूरा कर रही ने। सू जड़िया रैलियां हो रही उन्होंने सानू रोक लानी चाहिए है, सो सरकार लैवल से सी एम साहब आप देख रहे हैं इस दे जल्दी जरा डिसीजन जरा एक दो दिन की हो जाएगा। सरकार ने कहता सी एम साहब ने भी 9 बजे करफ्यू, तो 9 बजे कोई चालू होएगा, कोई दुकान, कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट, कोई ठेका जरा वो 9 बजे तो बाद नहीं खुला होगा। D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं यहां सर्किट हाउस में, जहां पर मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन विभाग के मंत्री ओम प्रकाश सोनी की ओर से विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है, क्योंकि कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसी को लेकर अंदर मंथन किया जा रहा है। इस बैठक में डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैरा, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल, सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव देवगन, सिविल सर्जन डॉक्टर चरणजीत सिंह, निगम की ओर से एडिशनल कमिश्नर संदीप ऋषि समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद थे। सोनी ने स्पष्ट कहा कि ये जो कोरोना बढ़ता जा रहा है, लोग नहीं मान रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, दूरी नहीं रख रहे हैं, जिस कारण कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने पुलिस को सख्त निर्देश दे दिए हैं कि सख्ती की जाए, यदि लोग नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ कैसे निपटा जाए। आइए हम बताते हैं ओम प्रकाश सोनी का क्या कहना है। कोरोना के केस जड़े ने वो तुम पता जरा सैकंड फेज आ बहुत केस जड़े ने बद रहे हैं, सो दे करके सारे अरेजमेंटा का जोड़ा वो असी आज सारे अरेजमेंट वेखे ने। जितों तक टस्टिंग की गल आ, सो टस्टिंग जोड़े ने उन्होंने वधाने की लड़ सी, वो असी अज सारा वेख्या। पिछे असी 30,000 तक कर रहे थे डेली सारे जे साडे तिने मैडिकल कॉलेज के, सो हूँ असी जोड़ा वो पिछली जी मीटिंग की सी असी होर ये अरेजमेंट वास्ते थोड़े प्रबंध किए थे, हम असी 35,000 के करीब जरा डेली टेस्ट कर रहे हैं। सो मैं समझना जिन्ना चर टेस्टिंग नहीं उन्ना चर यह नहीं पता लग सकता कि पॉजिटिव कहड़ा, सो ये बड़ा जरूरी सी। उहदे नाल नाल केस जड़े ने जो वध रहे ने, जो साढ़े को हस्पतालों च आ रहे ने पेशेंट कोरोना के, उन्होंने सारे अरेजमेंट वेखे ने। सो साडे जिहड़ा मैडिकल कॉलेज साडा जिहड़ा हॉस्पिटल आ, सो इत्थे जिहड़े ने पेशेंट आउंदे ने अमृतसर डिस्ट्रिक्ट दे भी आउंदे ने, बाहर दे डिस्ट्रिक्टां च भी रैफर होके आउंदे ने। सो साडे कोल टोटल जिहड़े ने इत्थे जिहड़े ने करोना दे, मैं समझा तिन्ना मैडिकल कॉलेजां च साडे कोल जिहड़े असीं करोना वास्ते बैड बनाए ने वो 1400 दे करीब ने। सो हजे साढ़े तिना हॉस्पिटलों जोड़े मेन साढ़े व्डे हॉस्पिटल अमृतसर पटियाला फरीदकोट वो 36% के करीब जोड़े ने वो साढ़े जोड़े ने करोना जोड़े बैड ने वो पेशेंट साढ़े को इन्ने है अजे जोड़े ने कम से कम 65% साढ़े जोड़े ने बैड जोड़े ने खाली ने करोना के। सो परमात्मा भी मेयर होवे लोड़ पवे ना, जे होर भी साढ़े को पेशेंट वधदे ने करोना के, साढ़े को पूरे अरेजमेंट ने, सरकार ने हर तरह के अरेजमेंट किए ने, सी एम साहब आप सारा वेख रहे ने। सो किसी तरह की कोई कमी पेश नहीं, थोड़ी जी मुश्किल जी ऑक्सीजन की सी मैनू दसिया वो भी असी सॉल्व करता, कल ही गड्डिया जड़िया ने ऑक्सीजन दी आईया ने। सो किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं असी आउन देंगे सी एम साहब की योग वाइज। सो मैं समझना कि लोगों भी साथ देने की लोड़ है। सो मैं यही गल कह रहा कि लोगों साथ देने की लोड़ है। सब कुछ जरा ये पंजाब के लोगों लिए हो रहा, सरकार की वैसे जिम्मेवारी है लोगों के जान माल की राखी करना, सो सरकार से अपना फर्ज जरा पूरा कर रही ने। सो जितों तक मैं समझना लोगों को करना चाहिए वो पूरा हो नहीं रहा। सो असी हमेशा कहने साढ़े जिन्हें भी ऑफिसर समान ने, हुण पुलिस कमिश्नर खड़े ने, साढ़े डिप्टी कमिश्नर खड़े ने, सो जिन्ना डेली ये वेख रहे ने आप सारे मेहनत करते हैं,
साढ़े डॉक्टर समान सारे लगे ने, सारिया टीमां लगियां ने, डेली जिहड़े ने वो साढ़े जिन्ने भी साढ़े को तिने मैडिकल कॉलेजां च जो साढ़े टेस्टिंग दा डेली साढ़ा 35,000 दे करीब जिहड़ा हो रहा, ये सारिया हेल्थ दियां टीमां जिहड़ियां ने वो लगियां ने। इन्ना सैंपल लैना कोई छोटी गल नहीं, पहलों सैंपल लोगों का लैना किस तरह लैना, यह सारी मेहनत आ। साढ़े सारे पंजाब के डिप्टी कमिश्नर लगे ने, रात दिन सारे ने एक किया, पुलिस कमिश्नर लगे ने, साढ़े SSP सारे लगे ने, सो सारे लगे ने। सरकार तो अपना फर्ज पूरा कर दिया, लोगों भी साथ देना चाहिए। सो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करना सारे कि मास्क पा के रखो, साढ़े अफसर समान आप जा के कह रहे हैं सारे, सड़कों से जाके कह रहे ने कि मास्क पा के रखो, दूरी बना के रखो, ये काम तो असं कर सकते, ये तो कोई लगता नहीं। जना बोलो वेखो वेखो एह जी गल नहीं, केस वैसे ही वध रहे ने, सारे इंडिया च वध रहे ने, सारे इंडिया च वध रहे ने, वर्ल्ड लैवल पर भी तुम वेखो केस वध रहे ने। सो ये जिहड़ा सैकंड फेस आ, ये मैं समझना ये थोड़ा जिहा तेजी नाल फैल रहा। सो ये जिस तरह ये यूके जो जिहड़ा आया तेन जिहड़ा यूके तो आया, ये नाल जिहड़ा इहदा फ्लाओ ज़्यादा, अगे 2-3 तक सीमित रहिंदा सीगा, जिन्हों एक हो जाता सी, 2-3 जाने होर नाल हो जाता सी, हुण जिहड़ा वो कम से कम 6-7 लोग जिहड़े ने इहदे नाल अफेक्ट हुंदे। करोना की गल कर ला पहलो यार, करोना की गल कर लो, तुसी यार कल्ला कल्ला गल करो, कल्ले कल्ले करो। अज असी सारी मीटिंग यो असी भी यो डिस्कस किया कि सानू जो जड़िया रैलियां हो रही उन्होंने सानू रोक लानी चाहिए आ। सो सरकार लैवल से CM साहब आप वेख रहे हैं, ये जल्दी जरा डिसीजन जरा 1-2 दिन ही हो जाएगा। देखो अजे लॉकडाउन तो लाया नहीं, असं करफ्यू जरा रात का जरूर लाया, लोगों वास्ते लाया, लोगों की सेफ्टी वास्ते लाया करफ्यू। सो मैं समझना वेखो पुलिस वेखो पुलिस कमिश्नर खड़े ने, इह जी गल कोई नहीं सख्ती है। लोग तुसीं राती 9 बजे जाओ बाजारां च, बिल्कुल रश घट हुंदा, असीं आप चैक करने आ, असीं चैक करने आ। सो जे कुते इह जी गल किते हैगी आ वी ठेके रात नूं 11 बजे तक खुल्लदे आ, कमिश्नर साहब खड़े ने। सो अज भी असीं मीटिंग च सारा डिस्कस किया, कोई अब जी मुश्किल नहीं आएगी। 9 बजे सरकार ने कहता, CM साहब ने भी 9 बजे करफ्यू, तो 9 बजे तो ही चालू होएगा, कोई दुकान कोई होटल कोई रेस्टोरेंट कोई ठेका जरा वो 9 बजे तो बाद नहीं खुला होगा। देखो ये मीटिंग च फैसला CM साहब ने लेना, सो अगे भी कह चुके ने CM साहब तो रिक्वेस्ट कर ही रहे ने कि सानू रैलियां जिहड़ियां एडियां, साडा भी फर्ज बनता ना, साडा पोलीटिकल पार्टियां का भी फर्ज बनता ना कि असी लोगों को इकट्ठा ना करिए, क्योंकि जो लीडर ही अभी तुर पे तो फिर कौन हटेगा पिछे। सो गवर्नमेंट वालों एक चिट्ठी आई है कि जो बॉर्डर के किसान आते प्रवासी उन्होंने नशा दे के काम कराया जाए। वेखो एह जी गल वेखो, ये जी लैटर आई है सेंटर गवर्नमेंट की, जरा उन्होंने लैटर लिखा है, मैं समझना ये कोई सच्चाई नहीं। तुम आप सारे सियाने हो, ये पंजाब को बदनाम करने वाली गल है। सो जिहड़ा अंदोलन किसानों का चल रहा, मैं समझना उस अंदोलन ढिल्लिया पाने वाली गल आ। सो जी कोई गल नहीं, जेडे बाहरों मजदूर आते ने अज दे नहीं आते, तुम 40 साल तो वेख रहे हो, मैं तो 40 साल तो वेख रहा मजदूर आते ने, वाढ़ी करते ने, झोने के सीजन च भी आते ने, कणक के सीजन च भी आते ने। सो आते ने वापस भी चल जाते हैं,
कभी कोई यह गल सुनी है? किसी ने यह गल सुनी है? ये बिल्कुल गलत गल है। गलत गल कर रहे हैं। पंजाब नूं बदनाम करने वास्ते ये कर रहे हैं, किसानों नूं बदनाम करने वास्ते कर रहे हैं। ये कोई सच्चाई नहीं, कोई अब जी गल नहीं। असी वेखो साढ़े को यूपी चो बिहार चो असी घर काम कराने, हर घर च यूपी का बिहार का ज होर स्टेटा जोड़े काम करने वाली लेबर आते हैं, घर के मैंबर समझ के उन्होंने सारे ने रखे। कोई अब जी गल दसो, हाँ जे तुसी किसे बंदे नूं इह जिहा डोज दे दोगे नशे की, मैं समझना उहदे नाल सारा घर ही बर्बाद हो जू। अज उहनूं देंगे, कल नूं घर दे मैंबर ही खराब होणगे। सो बिल्कुल गलत आ, बहुत कोई अलग गल नहीं। देखो गल आ, ये जो मर्जी कर, ये जो मर्जी सेंटर सरकार करी जान, ये हुण सेंटर सरकार दी पावर आ। सो मैं समझना कि ये जो कर रहे ने ये आड़तियां नूं जिहड़ा खत्म करने लई सेंटर गौरमेंट कर रही है, सरकार जिहड़ी आड़तियां दे नाल आ। साडे सीएम साहब तुहानूं पता, असी मीटिंग कीती आ पिछे वी, कैबिनेट डिस्कस होया, पंजाब सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ते सरकार कांग्रेस दी सरकार, कांग्रेस पार्टी आड़तियां दे नाल खड़ी खड़ी आ, किसानां दे नाल खड़ी आ। अज दा नहीं असी कह रहे, शुरू तो असी कह रहे हैं कि असी किसी बर्बाद नहीं होने देना। असी आड़तियां दे नाल आ, साडी कांग्रेस पार्टी किसानां दे नाल आ, आड़तियां दे नाल आ। फर्ज मंगी जा रही है किसानां कोलों। पानी दा पिछले दिन सारे साडी जिहड़ी फोर्स जिहड़ी आ ना, असी हुण सारे लगे ने कोरोना वाले ध्यान आ। सो नाल जिहड़े काम होए ने, मैं समझना गलत होया जो होया 10-15 दिन, मैं भी रोज़ वेख रहा, मैं भी इत्थे आ। सो फिकर ना करो, सारा ठीक हो जाएगा। हुण सारे SHO नूं हदायतां कमीशन साहब ने करतियां ने, जिहड़े इलाके जिहो जिहा काम होएगा उन्हें स्पेयर नहीं किया जाएगा। ये थे मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन विभाग के मंत्री ओम प्रकाश सोनी, जिनका कहना है कि उन्होंने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि कोरोना की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कर्फ्यू के दौरान जो लोग बाहर निकलते हैं या अपनी दुकानें बंद नहीं करते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कह दिया है कि 9 बजे के बाद ना तो कोई दुकान खुलेगी, ना रेस्टोरेंट, ना होटल, और ना ही कोई ठेका खुलेगा। इसके लिए उन्होंने पुलिस कमिश्नर को आदेश भी जारी कर दिए हैं। अब मंत्री ओम प्रकाश सोनी के आदेश कहां तक लागू होते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हमने रियलिटी चेक के दौरान ये बताया था कि ठेके खुले रहते हैं, लोग मानते नहीं हैं। पुलिस को भी शायद अब सख्ती करनी पड़ेगी, तभी लोग हटेंगे। यहाँ पर उनके समक्ष सवाल उठा कि शहर की कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, अपराधी जो हैं वो हावी होते जा रहे हैं। इस पर भी उनका कहना है कि उन्होंने पुलिस कमिश्नर को आदेश जारी कर दिए हैं कि अपराधियों से सख्ती से निपटा जाए। जो रैलियां की जा रही हैं राजनीतिक दलों की ओर से, पहले एक मोगा में रैली होती है, फिर अजनाला और अटारी में रैली होती है, इसको लेकर ओम प्रकाश सोनी का कहना है कि वह इस बात को लेकर बात करेंगे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ। उन राजनेताओं को भी सोचना होगा जो ये बार बार कोरोना के आदेशों को जारी करने के बावजूद उनकी सरकार की हिदायतों को नहीं मान रहे हैं और बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन कर रहे हैं। जब तक लोग नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अब उनके आदेश कहां तक लागू होते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हम आपको हर चीज़ से वाकिफ करवाते रहेंगे। अमृतसर से D4 News के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।